संडे है आज, हम आपको एक व्लॉग दिखाने जा रहे हैं कि संडे है और हमारा दोस्त है बाहर इंतजार कर रहा है गेट के, तो कह रहा है कि चलो भाई थोड़ा सा घूमने चलते हैं। अब कहाँ जा रहा है हमको बता नहीं रहा, कह रहा है भैया चलिए चप्पल उप्पल पहन लीजिए, ऐसे ही जूता उता मत पहनिए, बस नॉर्मल में चलिए। देखिए हम ऐसे ही चप्पल पहने भैया, ठीक है तो चलिए देखते हैं। फिलहाल देखिए अब जा रहे हैं, गेट खोलेंगे हम निकलेंगे बाहर और हमको चलना है बाहर, ठीक है। इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हमको जाना है तो हम चलेंगे भैया। बतावा चला जाए, ठीक है, इन्हें के साथ जाना है। अभी कह रहे हैं किनाराम बाबा, बनारस में किनाराम बाबा है, वहीं जा रहे हैं हम लोग। संडे का दिन है, चले वहीं मस्ती करने। आपको चलिए दिखा देंगे बनारस में कैसे किनाराम है, बाबा के यहाँ चले बाबा का आशीर्वाद लेंगे। ये अपाचे है भैया के पास, ये गाड़ी पे बैठेंगे, यही गाड़ी से हम चलेंगे। इन्हीं की गाड़ी है, रेड कलर की है भैया, इनको मिली थी बहुत पहले। इनको भी चलना है क्या किनाराम बाबा, तुम भी चलोगे क्या? चलो अच्छा बैठो, हम भी बैठे। चलिए भैया हम भी बैठ जाते हैं थोड़ा सा गाड़ी पे, बैठो गसको। हो गया स्टार्ट, अब हम लोग चलेंगे किनाराम बाबा के यहाँ, ठीक है। तो ये भैया गाड़ी है, ठीक है, हम लोग गाड़ी पे चल रहे हैं। और भैया देखिए जब व्लॉग कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा मार्केट में, सड़क पे। खुद गाड़ी चला रहे हो तो व्लॉग व्लॉग मत किया करिए, घर पर बैठे रहिए व्लॉग करिए। पर आप खुद गाड़ी चला रहे हो तो व्लॉग मत करिए, किसी और का गाड़ी चला रहा है तो व्लॉग करिए। चलिए देखते रहिए भैया, ये हमारे गली का इलाका है, अब यहाँ से हम चलेंगे भैया। सड़क है, सड़क के बाहर। अब देखिए अपने पास है माइक वाइक नहीं है, फ़ोन वोन नहीं है, ये बढ़िया एक तो खाली फ़ोन मिला है जो है दोस्त का है, उसी से बना रहे। अपने पास बहुत खास नहीं है, दोस्त से जुगाड़ करिए। ऐसी सड़क है, ठीक है, ये हमारा इलाका है। अब घर से निकल रहे हैं, आज संडे का दिन है, हमको बताया था संडे के दिन हम लोग काम वाम करते हैं, नहीं मस्ती करते हैं। और ये बनारस में जो है किनाराम बाबा है, वो बहुत ही फेमस बाबा है, और वहाँ पे आप जाके कुंड है नहा भी सकते हैं, थोड़ा स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे अपना जो जैसे बॉडी में लोग मर जाते हैं पितृ लोग, तो उनका पूजा पाठ बैठाया जाता है वहीं पे। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में पूरा क्या है बनारस का। बनारस की गलियाँ हैं, मोदी जी की वजह से थोड़ा सा बढ़िया है, चकाचक चल रही है, देख रही है एकदम चकाचक चल रही है। गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी भैया बिना हेलमेट के चला रहे हैं, ठीक है, चलान कटेगा आपका। इलाका देख रहे हैं, ये है हमारे बनारस मतलब घर से बड़ी प्यारी है, और ये आपका चेतगंज का इलाका है, चेतगंज का इलाका, इधर से आप भी निकलेंगे। अब भैया हम लोग बनारसी आदमी, हम लोग बाबा के भक्त हैं, हर हर महादेव, ठीक है। क्या है बाबा के यहाँ, बाबा के यहाँ क्या करने जा रही हो, स्नान करोगी क्या? हाँ। चलो देखते हैं। बड़े बात भैया कि बनारस में आज जो मौसम है बहुत ही मस्त है, ऐसा 15 अगस्त को था जब मोदी जी कहते हैं घर घर तिरंगा, उस वक्त मौसम था, उसके बाद आज का मौसम है संडे को, तो जबराहट मौसम है, एकदम मस्त ठंडा मौसम है। अब है नई सड़क, ये नई सड़क का इलाका है, ठीक है। यहाँ पे इलाके पे आपको जूता चप्पल सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पे कभी मीठे की दुकान होती थी, अब पता नहीं है कि नहीं मीट उठ की दुकान। अब योगी जी हैं तो जानते हैं हर जगह, गंगा जी हैं कि आसपास है। ये देखिए इधर से बिंजा पड़ता है, ठीक है, ये इलाका बिंजा का है, बिंजा चले जाएंगे, यहीं पर राजमहल पार्क है जो है बना हुआ है पार्किंग, ठीक है, मोदी जी के संयोजन से बिंजा पार्किंग बन गया है। आप कभी भी बनारस में आइए तो पार्किंग इधर उधर खड़ा मत करिए, बिनिया पार्किंग में जाइए वहाँ खड़ा करिए, नहीं तो टाउन हॉल के पास पार्किंग में ना वहाँ पे जाके खड़ा करिए। और उसके बाद लोकल या गुदौलिया में भी है, छोटा बाइक वाइक खड़ा कर सकते हैं आप। है नई सड़क का इलाका, ये नई सड़क का इलाका, संडे है तो बंद है, यहाँ बाज़ार लगती है कपड़े उपड़े की बड़ा पूरा। पहले यहाँ पे मीट उट की बाज़ार हुआ करती थी, बट अब यहाँ पे कपड़ों का बाज़ार है पूरा हर तरफ। यहाँ बढ़िया बढ़िया लजीज व्यंजन मिलता है, यहाँ देखिए दावतें लजीज, ये रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, गंगा काशी फैमिली सब नया रेस्टोरेंट खुला है भैया। यहीं पे लौकुस वाले हैं तो बहुत ही पुराने हैं, था जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में पढ़ते थे यहाँ पे काशी साउथ सिनेमा था जो ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है, और यहीं आगे जाके मेरा स्कूल भी पढ़ता है। हम सनातन धर्म इंटर कॉलेज में पढ़ते थे भैया, सनातन धर्म इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, यहीं बगले में है स्कूल। चलिए हम दिखा रहे हैं इसे, यहीं पर बगले में दिख जाएगा, यह देखिए यह है मिठाई की दुकान और इधर है स्कूल, ठीक है, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, यहाँ पे दुर्गा पूजा भी लगता है, वो बढ़िया बहुत बढ़िया से नवरात्र दुर्गा पूजा लगता है। इधर आ गए हम लोग नई सड़क के आगे गुदुलिया की तरफ, ठीक है, ये है गुदुलिया, हमारे वीडियो में ठीक है ठीक है निकलता है भैया, तो ये हमारा नवा आदत है, तो अगर आपको लगे ठीक है मजा लीजिए, ठीक है। ये है नई सड़क की तरफ, सब होटल बंद है, वो रूम मिल जाएगा, बनारस है बड़ा मस्त जगह, चकाचक मस्त जियो बनारस में। इसका सबसे व्यस्त इलाका बनारस का सबसे व्यस्त इलाका इस वक्त गुदुलिया इलाका है, यहाँ पे शाम को जबरदस्त भीड़ रहती है, यह गुदुलिया चौराहा और इधर पड़ जाएगा गंगा जी किनारे, बादल मौसम देख रहे हैं मज़ेदार है, ठीक है, बहुत मस्त मौसम है। अब यहाँ से चल रहे हैं आगे, बनारस है ना, बनारस में जो गुदुलिया का इलाका है,
यहाँ पर आपको जबरदस्त मतलब जबरदस्त यहाँ पे भीड़ रहती है रात के समय। यहाँ पे गाड़ी पैदल साला फुर्सत नहीं है लोगों को, कितना भीड़ है बाहरी लोगों का। इसमें मोदी जी ने इतना इसको बना दिया है, बाहर बड़े पर भीड़ है, पंपर भीड़ है। ब्लॉग बना रहे इसमें माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, आवाज वाज का प्रॉब्लम है, परिजमा माइक ले लेंगे। फिलहाल वॉइस तो आपको पहुँचना चाहिए, म्यूजिक नहीं डालेंगे, वॉइस लेकिन होना चाहिए, वॉइस में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कहानी हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो माइक ले लिया जाएगा एक तो। देखिए जैसे खड़ंजा है, बरसात का मौसम है, कुछ कुछ इलाका खड़ंजा है, यहाँ पे गली बना नहीं है। मोदी जी पैसा दे तो बहुत रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है खाए जा रहे हैं माल, खाए जा रहे हैं जनता का माल। इतना सड़क बना दिए होते तो पब्लिक परेशान नहीं होती है। देखिए ये देख रहे हैं ना। अब देखिए हम लोग आ गए रामापुरा, ये थोड़ा पुराना इलाका है रामापुरा का, यहाँ पर आए हैं। ये इलाका है, ये देखिए पुरानी पुरानी बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, ये सब पुराना इलाका है रामापुरा का। और यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जाएगा धीरे धीरे, मोदी जी लगे रहेंगे तो इलाका थोड़ा चौड़ा भी हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं सब कुछ धीरे धीरे बनेगा ना, बनारस इतना जल्दी थोड़ी डेवलप कर जाएगा कि पूरा स्मार्ट सिटी हो जाएगा। धीरे धीरे होगा पर होगा, पब्लिक का साथ दे देगा तो जल्दी हो जाएगा। देखिएगा जय नारायण स्कूल है, ठीक है, बहुत पुराना स्कूल है, आज़ादी के समय का, आज़ादी के पहले का। देखिए है जय नारायण स्कूल, जय नारायण इंटर कॉलेज या स्कूल है, ये 1814 का है समझ लीजिए, ठीक है, अंग्रेजों के ज़माने का स्कूल है, अंग्रेजों के ज़माने से पढ़ रहे हैं। 1814 का बहुत ही पुराना स्कूल है, इतना पुराना स्कूल सर ये बता नहीं सकते हम स्कूल है। इसीलिए वो सरकार की तरह जो दिख रहा सरकारी स्कूल का हाल जानते ही हैं, तो जैसे सरकार होती है गिरती पड़ती रहती है, वैसे सरकारी स्कूल है वो गिरता पड़ता रहता है। ठीक है, अब इधर है देखिए चिकन मटन मुर्गा सब मिलता है, हम आपको दिखा देंगे। रेवड़ी तालाब है, ठीक है, इसी के आगे जाएंगे तो आपको बेलूपुर चौराहा मिल जाएगा, बेलूपुर चौराहा इसके आगे मिलेगा। और इधर इलाके में मुर्गा मटन सब मिलता है आपको, मुर्गा मटन मिलता है हमारे इलाके में आपको दिखा देंगे। अगर आपको मुर्गा मटन मिलना है तो लेना है तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे बहुत सारी दुकानें, अभी फिलहाल संडे है बंदे है, लेकिन आज संडे के दिन तो पार्टी होती है तो मिलेगा मुर्गा, इधर कहीं इधर दुकानियाँ होगी। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, अब यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मुर्गा दिख रहा है ना, ये मुर्गा इधर है, उधर भी दुकान है, पूरा इलाका इधर भी मुर्गा मिलता है मज़े का। ठीक है, इधर सब मुर्गा उर्गा मिलता है, यहाँ मुर्गे की गाड़ी भी खड़ी होगी, बहुत बम्बम और बकरा वकरा भी कटता है। ये देखिए मुर्गे की गाड़ी खड़ी है, यहीं पर आगे भी दुकान है, बहुत सारा दुकान मिलेगा आपको। ये देखिए इधर भी कट रहा है मुर्गा, तभी थोड़ा सा सुबह सुबह का समय है ना इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन 150 रुपये मुर्गा मिल जा रहा है यहाँ पर आपको, 150 में मीट मिल जाएगा। ये देखिए दिखाया है ना, 150 रुपये में मुर्गा मीट मिलेगा भैया। दीनाराम बाबा का जो आश्रम है ना, वो हमारे घर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर मान लीजिए है हमारे घर से, और हमारा कैंट स्टेशन से घर जो है 3 किलोमीटर है, और यहाँ से ये 3 किलोमीटर है। तो चलिए दिखा रहे, बस आइए बगले में आइए, बेलूपुर चौराहा। ठीक है, हम लोग बेलूपुर चौराहा आ गए, यहाँ पे बेलूपुर थाना भी है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये बेलूपुर थाना आ गया, थाना बेलूपुर, और ये है चौराहा। तो चौराहे से अगर इधर कट जाएंगे, इधर भी रास्ता जाता है, इधर भी रास्ता जाता है, और सीधा भी जाता है, तो हम सीधा चलेंगे, इधर भी रास्ता जाता है तो सीधा चलिए, साफ साफ रास्ता है, मज़ेदार रास्ता है। ये है मस्त मौसम, और ये है पीसी ज्वेलर्स, ये है आपका अलग सिगरा का मतलब नहीं है, ये बेलूपुर है, और बेलूपुर के लगे बढ़िया बढ़िया होटल है, तनिष्क है, बढ़िया बढ़िया जगह है, मौसम भी मज़ेदार है। क्या देखिए पूरा का पूरा ये बनारस का सड़क है भैया, देखिए मोदी जी ने बनाया मेन सड़क, किया तो बढ़िया कर दिए हैं, ये आपको दिख ही रहा है मेन सड़क एकदम चकाचक है, गली गली थोड़ा दिक्कत है, बट मेन सड़क बढ़िया है। डायमंड होटल है, और बता दें पेट्रोल भी लेना है तो इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प, इधर मिल जाएगा। ये है विजया सिनेमा, पेंटलून इसमें है, विजया माल है, ये वो बढ़िया माल है, छोटा माल है लेकिन बढ़िया चलता है। बहुत देखिए सड़क पर आवाज़ भी है, में आपको विजया सिनेमा है, यहाँ पे आपको आना है तो आके देख लीजिए, पिक्चर उच्चर भी लगता है। अब बॉलीवुड वाले को तो जानते समय हालत पतली हो गई है, कितना ज़्यादा हम लोग के और धर्म के बारे में बोलते थे, बहुत मतलब कि किसी के बारे में बोलते थे तो समाज तो चौपट हो गए, सब बॉलीवुड वाले सब चौपट हो गए हैं सब, कौनों की भौजी को भगा ले जाते हैं, कौनों की बिटिया के साथ ब्याह कर लेते हैं, कौनों की मेहरानी छोड़ के ब्याह कर लेते हैं, तो बॉलीवुड वाले तो गए तेल लेने गए। आ गए इधर, ये रविंद्रपुरी कॉलोनी, और ये पेड़ है, पेड़ के आगे बाबा कीनाराम का आश्रम है, यहाँ देखिए सब लगा हुआ है, गाड़ी स्टैंड है, बगल में खड़ा कर देते, चलिए उतरते हैं। तो आ गए थे, ठीक है, कीनाराम बाबा का आश्रम ये बगले में है, ये आगे देखेंगे तो कीनाराम बाबा का आश्रम है। थोड़ा आज बहुत भीड़ है, संडे का दिन रहता है, हो सकता है कोई कार्यक्रम हो क्रम हो, हम लोग आते बहुत कम है, कभी कभी आते हैं, तो चलिए दिखाते हैं कैसा है उनका दरवाज़ा। देखिए ठीक है, मेला ठेला लगा हुआ है, ये है बाबा अघोर पीठ, बाबा कीनाराम स्थल, ठीक है, ये है, ये देखिए, ठीक है,
ये है किनारा बाबा का स्थल, यहाँ आते हैं बम बम भीड़ होती भी, और शाम तक तो भीड़ बढ़ ही जाएगी, तब चौचक भीड़ बढ़ जाएगा इस समय। और यहाँ पे चप्पल उप्पल उतार दीजिए, यहाँ पर है भैया का है भैया। किनाराम बाबा का कहानी है कि अगर आपको भूत प्रेत पकड़ा हुआ है, आपके दिमाग में भ्रम है, कुछ लगता है कि गड़बड़ है आपके बॉडी में लैंग्वेज में, और आप बहुत परेशान हैं, तो बाबा के आश्रम में आइए और यहाँ पर आपका जो है सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मन मस्त हो जाएगा, सब कुछ बाबा के हर हर महादेव हो जाएगा। चप्पल उप्पल उतार दें, नहीं चप्पल आप बगल में उतार दीजिएगा, मंदिर वंदिर में और इस सब जगह पर चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे चप्पल रख रहे हो? चलो भैया यहीं पे रख दी अपना चप्पल, कहाँ रखी? चलो हम भी अपना यहीं चप्पल उतार दे रहे हैं, जूता इसीलिए पहन के आने के लिए मना किए थे, ठीक है। बाबा के आश्रम में आ रहे हैं ना, उतार उतार उतारने कहते, फिलहाल अब आए हैं तो थोड़ा हाथ मुँह भी धो लें। यह है पानी, बाबा पानी से धो लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यह है पानी लेते हैं, ठीक है, धुल लिए। अब चलिए देखते हैं, अब अंदर देखिए अलाउड अगर नहीं होगा मोबाइल तो हम अंदर जो है मोबाइल नहीं चलाएंगे भैया, थोड़ा सा नियम कानून मानना चाहिए। अंदर देखिए घुस रहे हैं बट यहाँ बता रहे हैं अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए मजा लीजिए भैया, अंदर तो आ गए लेकिन अंदर फोटो अलाउड नहीं है, इसलिए हम यहीं पे वीडियो जो है बंद कर देंगे, अब अंदर फोटो अलाउड नहीं है भैया। मंदिर परिसर में फोटो वोटो खींचना मना था, इसलिए भैया हम लोग कोई फोटो वोटो नहीं खींचे हैं, ठीक है। इनके कुंड में बच्चा नहा लिया है, अगर आपको भूत प्रेत पकड़ा है तो अघोर पीठ है सबसे बड़ा बाबा किनाराम, आइए नहाइए भूत प्रेत गायब हो जाएगा। तो ये है किनाराम बाबा और इधर का इलाका है रविपुरी कॉलोनी, ठीक है। तो अगर आपको नहाना है और अपना भूत प्रेत भगाना है, किनाराम बाबा के आइए, हर हर महादेव। और मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब हम चलेंगे घर।